हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और हम लोगों ने चाय के साथ जो भी हम खाते हैं चाय वाय के साथ वो हम खा चुके हैं। और गुनीत ने भी अपना दूध वगैरह पी लिया है। तो आज के व्लॉग में स्पेशल क्या होने वाला है, आज बनाएगी गुनीत खाना क्योंकि इसके स्कूल्स ख़त्म हो चुके हैं। आज आज जो इसके समर स्कूल की बैंडिंग हो चुकी है, अभी होनी है ना, अभी क्लास ज्वाइन करने थे ना, अभी क्लास होनी है। तो आज इसका लास्ट स्कूल का जो समर स्कूल का लास्ट डे है, अब इसके स्कूल खुलेंगे 6 जून को। तो तब तक इन दिनों में मैं इसको कुछ मतलब लाइफ की कुछ ज़रूरी चीज़ें सिखाऊंगी क्योंकि ये 11+ हो चुकी है, सितंबर में 12 ईयर्स की कंप्लीट हो जाएगी। तो जो लाइफ की जरूरी चीज़ें हैं वो तो सीखना ज़रूरी है। वैसे चाय वाय बनाना आता है इसको, मैगी भी बना लेती है, लेकिन आज ये स्पेशल खाना बनाएगी, प्रॉपर खाना जो होता है। और उसमें मैं बनवाने वाली हूँ इससे, आज इसकी पसंद, इसको पसंद है चिकन खाना, तो चिकन बनाएगी ये। इंस्ट्रक्शन मैं दूंगी क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ। हाँ, सिखाना है पहले, उसके बाद तो ये खुद बना ही लेगी क्योंकि बहुत समझदार लड़की है ना। सब कुछ सीखोगी ना? देखो, जब तक कुछ सीखेगा नहीं बंदा तो कर नहीं सकता। और वो करने का मन तभी नहीं होता है क्योंकि जब हमने कुछ सीखा ही नहीं, हमें करना आता ही नहीं है, तो हमारा करने का मन भी नहीं होता है ना। तो इसलिए सीखेंगे तो हम कर भी लेंगे, तो मैं इसको यही सिखाती हूँ। तो चाय बनाना भी इसने सीखा था और ये बना भी लेती है। कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई इसकी, लेकिन हाँ, अब आज मैं इसकी वीडियो शूट करने वाली हूँ कि ये कैसे खाना बनाएगी, ठीक है ना। चलो, तो फिर आपको हम रेडी होके और तभी उसी मतलब किचन में ही मिलेंगे अब हम आपसे, ठीक है ना। कीको, डन कर दूँ? पक्का डन डन। ठीक है ना? बार बार पूछ रही हूँ मैं इससे कि बना लेगी ना, तो ये कॉन्फिडेंट है कि इसको कुछ सीखना है। और इससे मैं बहुत सारी और भी चीज़ें सिखाऊंगी जो मुझे आती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे वो सिखाऊंगी जो मुझे नहीं आता है, जो मुझे आता है वो सब चीज़ें सिखाऊंगी इसको। तो गाइज, आ गई है मेरी बेटी गुनीत किचन में और ये रेडी है। इसने बाल बांध लिए अच्छे से, नहा ली है और इसने पैन रख दिया है। और मैंने इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट है, इसमें ग्राइंड कर दिया है। और अब हमें गुनीत बताएगी क्या करना है। आपको कुछ पता है वैसे क्या करते हैं स्टार्टिंग में? नहीं? घी डालते हैं, हाँ। फिर उसके अंदर जीरा वगैरह डालते हैं, फिर उसको हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, फिर उसके अंदर ये सब डाल लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। फिर गैस जला लोगे? कितनी सिम रखनी, सिम पे रखनी? फुल कर लो अभी। बस बर्तन का बैलेंस चेक करते, देखो आप इधर साइड से होके देखो कहीं कम ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब अब एक घी, पहले उसको, वो जो गीला होता है तो उसको पहले सुखाना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर वो जो गीला गीला होता है ना, वो तड़क धड़क करता है। ये क्या है इसमें? चलो जी, गुनीत ने घी डाल दिया है। चलो जीरा डालो। हाँ, चटके से थोड़ा साइड हो। हाँ, हाथ ध्यान से वो हैंडल से पीछे। चलो डाल दो। इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ज्यादा डरते भी नहीं है, डरने से भी चीजें खराब हो जाती है। स्लो कर लो। हाँ, कर ले, थोड़ा सा और डाल दो। दोनों हाथ चलते हैं तुम्हारे हैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा डरने से भी ना चीजें खराब होती है, डरते नहीं है। बस ये ध्यान थोड़ा रखो कि कुछ गिर ना जाए, जैसे हैंडल के आपने ऊपर हाथ रखा हुआ था ना, उस साइड में रखो, हैंडल से हाथ नहीं टच होना चाहिए, ठीक है। इतना गिरा बहुत है। अब सिम कर ले तेज। हाँ जी बहन, इनके बस की बात नहीं है खाना बनाना, ये अभी तूफान मचा देती, सब कुछ गिरा देती। चल तू जा, रहने भी है, ऐसे तो शाम तक खाना नहीं बनेगा।
मैं ट्राई करूंगी बनाने देखते कितना ट्राई करते हैं सर। मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी भाई क्योंकि देखिए ये गुनीत से सब्जी में तो थोड़ी वो हो गई थी, लेकिन वो कह रही मैं रोटी मैं बनाऊंगी। रोटी बना रही है वो, दो नक्शे बना चुकी है वो, एक मैंगो का नक्शा एक स्क्वायर था, ये हार्ट शेप बनाया है गुनीत ने, देखो ये वाला है गुनीत, ये तो सही है ना। चलो रोटी तो हमने चबा के ही तो खानी है ना। ये पोलिथिन ज़्यादा लगा रही थी इसलिए मैं तवे पे ऐसे ही सेक रही हूँ इसको, नक्शा टूट ना जाए। तो भाई आ गया है किकू ने जो बनाया खाना। सब्जी तो वैसे मैंने ही बनाई है, उसने तो हेल्प करी है क्योंकि छोटी है ना अभी, धीरे धीरे सीखेगी, सीखा है उसने। और ये चपाती जो ऊपर रखी है ना ये किकू ने बनाई है, नीचे वाली तो मैंने ही बनाई थी, देख रहे हो। हाय बोल दो। हाय। तो चलो बताओ कैसा बना। बढ़िया। किरत सीख गई है। चलो कि किरत को बहुत भूख लगी हुई है ना किरत, चलो हम दाल के लिए आते हैं फटाफट। और आज बताना तू क्या? बता क्या आज ओटीटी पे रिलीज हो गई। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी RRR, जो हम थिएटर में देख के आए थे, पापा ने नहीं देखी तो पापा को देखने तो इसलिए हमने लगा ली। हाँ वैसे अच्छी मूवी थी वो भी है ना। हाँ। चलो हम इंजॉय करते हैं उसकी झलक देखते हैं। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी या नहीं? अगर नहीं देखी तो अभी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।